यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। रुक जाइए, क्या कर रही हैं? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है, दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन दे दीजिए। हमने एक तो स्वप्न देखा बेटा। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुम्हें? मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम तो मैंने तेरे महल में रेत गंध का आभास किया है विक्रम, और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है, तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार, आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रह संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं? मैं संकोच कही। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई है। हम शीघ्र बारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे रोक कर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय ना किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई है तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग। मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या विक्रम, विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उच्चायनी राजन। क्या? 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसने रानी पद्मिनी को भी संक्रमित कर दिया। कुछ करो राजन, कुछ करो। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? मुक्कर भद्रकाल, सांस है
तो मुझे बाहर आने दे, फिर टकराना मुझसे। शांत शांत मित्र शांत, ये योग ये मुहूर्त बिल्कुल उपयुक्त है तुम्हारी आहुति के लिए। अभी इसी क्षण तुम्हारी आहुति होगी। शांत, भद्रकाल भद्रकाल मुक्त कर मुझे। महामाया, ऐसे ज्ञानी और पराक्रमी बेताल को ऐसी अवस्था में देखकर मुझे ना लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। इतने अधीर क्यों हो रहे हो बेताल? हाँ, कुछ ही समय की तो बात है। अरे मैं स्वयं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सदा सदा के लिए। हम औषधि ले आए, अब सब ठीक हो जाएगा। यही वो मायावी मणि है ना, जिसके सहायता से तू हमारी फैलाई हुई महामारी के प्रकोप को समाप्त करना चाहा? ये मणि को ही नष्ट कर देंगे हम। कानपुर के गोलगप्पे बहुत फेमस हैं, इसलिए मैं इस गधू के साथ गोलगप्पे खा के आती हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या खुशखबरी है बेटा? डैडी, ये गधे के जैसा दिखने वाला गधू मुझे बहुत पसंद है। अम्मा अम्मा, तुम टेंशन ना लो, ड्यूटी से आते ही ससुर चाय बाद में पियेंगे, सबसे पहले राजेश को समझाएंगे। अरे चिंता करें हमारे दुश्मन, आज जब तू घर आएगो ना तो जे बात को फैसलो होके रहेगो, और तुम्हें जे फैसला करने पड़ेगा कि हमाओ जो कच्छो कि तुम्हारी अम्मा को। दोनों मन को जीरो है ससुर, जीनू हराम करें। हाउ हम घरे आएंगे फिर बताएंगे क्या कैसे हुए हैं। अबे रखे फोन, नहीं तो का नींबू निचोड़ोगे। हां तो तुझ पे कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। मादम! सब कुछ ऐसा ही चलता रहे नंदी, तो बहुत जल्द अखिलेश ईरा को इस घर से निकाल देगा। अब देखना कलाई कांटी, हम आपका सच सबके सामने कैसे रहते। अखिलेश, ये साड़ी, जिस तरीके के कपड़े तुम पहन रही हो ना, सूट नहीं होते तुम्हें, साड़ी में अच्छी दिखती हो। वीरा लक्ष्मी, इस बार तुम मुझसे जीवित नहीं बच सकती, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कैसे मेरे सम्मुख आओगी। राधा धारण करेंगी वीरा लक्ष्मी का रूप, और सामना होगा कर्णासुर से।